Good morning, students. I am Sumit Ghosh. Today in this video, we will study the 6th chapter of Standard 2. And the name of the chapter is the squirrel. Squirrel एक नन्हा सा animal होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गिलहरी कहते हैं. Students, ये एक poem है. इस poem में गिलहरी के बारे में बताया गया है. The squirrel is a poem about these cute little creatures who make for a wonderful sight as they hop around with their bushy tail and big eyes. ये poem squirrels के बारे में है. ये बहुत ही नन्हे से बहुत ही प्यारे से creatures होते हैं, प्राणी होते हैं, जो मतलब देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं जब इधर उधर दौड़ते हैं, अपने मतलब उछल उछल के दौड़ते हैं अपने नन्हे नन्हे पैरों से, अपने शरीर से. Through the poem, the poet gives us a sneak peek into the life of these naughty little creatures. इस poem से poet ने मतलब वो हमें बताना चाहता है कि एक squirrel जो होता है वो कैसा होता है. ठीक है, मतलब वो एक squirrel के बारे में इस poem के through हमें बताना चाहता है कि वो कैसा होता है, उसका life कैसा होता है, वो कितने naughty होते हैं, क्या होते हैं. ठीक है, तो चलिए इस poem को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके मतलब इनमें जो डे होता है, एक दिन जो होता है, वो कैसा गुजरता है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम. ओके, आई विल रीड द होल पोएम एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड दिस पोएम. द स्क्वेरल विस्की फ्रिस्की हिप्टी हॉप अप ही गोज टू द ट्री टॉप. Really, truly, round and round, down the scrampers to the ground. Furly, curly, what a tail, tall as a feather, broad as a sail. Where is his supper? In the sail, snappity, crackity, out it fell. Okay, students, इस poem को इस तरह पढ़ना है. Now, I am going to tell you the meaning of this poem. Whisky, frisky, hipty hop. विस्की फ्रिस्की हिप्टी हॉप का मतलब होता है, विस्की का मीन्स होता है मूविंग क्विकली, बहुत ही जल्दी जल्दी मूव करना, बहुत ही तेज़ी से इधर उधर जाना. फ्रिस्की का मीनिंग होता है बहुत ही प्लेफुल, मतलब जो हमेशा खेलते रहता है ना, उसको कहते हैं फ्रिस्की. हिप्टी हॉप मतलब हॉपिंग मोशन, जिस तरह उछलते उछलते हुए चलना होता है ना, दौड़ना होता है ना, उसको कहते हैं हिप्टी हॉप. मतलब जो बहुत ही जल्दी क्विक, मतलब बहुत ही जल्दी मूव करता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल है और उछलते कूदते हुए दौड़ता है. अप ही गोज़ टू द ट्री टॉप, इस तरीके से वो ट्री के टॉप तक जाता है, मतलब पेड़ के सबसे ऊंची टहनी तक वो जाता है. रियली ट्रूली राउंड एंड राउंड, बहुत ही उसका जो शरीर है बहुत ही गोल है ना, बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल घुंघरेला है और बिल्कुल राउंड है. डाउन ही स्क्रैम्पर्स टू दी ग्राउंड, और बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही लाइटनिंग स्पीड में, बहुत ही तेज़ी के साथ वो पेड़ से नीचे भी उतरता है, ज़मीन में नीचे भी उतरता है. फर्ली कर्ली व्हाट अ टेल, आपने स्क्वेरल के टेल को देखा होगा तो वो बहुत ही झब्बेदार होता है, उसमें इसका मतलब होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं. ठीक है, बहुत ही मुलायम गद्देदार होता है. ठीक है, उसका टेल. टॉल एज अ फेदर, ब्रॉड एज अ सेल, बिल्कुल उसका जो पूंछ होती है ना, स्क्वेरल की जो पूंछ होती है वो बहुत ही लंबी होती है. ठीक है, एक पंख की तरह बहुत ही लंबी होती है. ब्रॉड एज अ सेल, जब भी वो दौड़ती है ना तो वो अपने पूंछ को उठा देती है, जिस तरीके से जहाज़ों में बड़े बड़े मस्तूल होते हैं ना, जो हवा के सहारे जिससे शिप्स आगे बढ़ते हैं, तो वो दौड़ते वक्त अपने पूंछ को उठा लेती है जिससे लगता है कि वो सेल कर रही है. वेयर इज़ हिज सपर इन द शेल, वेयर इज़ हिज सपर. सपर का मीनिंग होता है शाम के वक्त खाया जाने वाला नाश्ता, जिस तरह शाम के टाइम जो हम लोग खाते हैं, शाम के टाइम बहुत सारे लोग बहुत खाते हैं, किसी को कोई मैगी खाता है, कोई समोसा खाता है, कोई पकौड़ी खाता है, कोई कुछ भी खाता है शाम के टाइम में जो हम लोग खाते हैं, रात और दोपहर और रात के बीच में जो शाम के टाइम जो हम लोग स्नैक्स खाते हैं उसको सपर कहते हैं. तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका सपर कहाँ है. ठीक है, गिलहरियों का सपर कहाँ है, इनका सपर है इन द सेल. सेल मतलब होता है उसका बाहरी कवच, कवच के अंदर. हम लोग नट्स खाते हैं ना, नट्स हम लोग उसका ऊपर का शेल तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग उन नट्स को खाते हैं, तो ये उसी लिए बोला जा रहा है वो नट्स खाते हैं.
जिस कारण से नट्स को इंडिकेट करके बताया जा रहा है कि उनका जो सफ़र है वो शेल के अंदर है। ठीक है, स्नैपेटी क्रैकेटी आउट इट फेल। जब आप बादाम को तोड़ते हैं तो एक आवाज़ आती है ना, चट से उसके उस सेल को टूटने की आवाज़ आती है ना, तो उसी आवाज़ को स्नैपेटी क्रैकेटी कहा जाता है। तो उसी आवाज़ के साथ वो सेल टूटता है और वो बादाम बाहर आ कर के गिरते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट नाउ द हार्ड वर्ड्स, द वर्ड्स उमर्स ऑफ दिस चैप्टर इज विस्की, इट मीन्स मूविंग क्विकली, फ्रिस्की, इट मीन्स प्लेफुल एंड ईजली एक्साइटेड, द नेक्स्ट वन इज हिप्टी हॉप, इट मीन्स हॉपिंग मोशन, द नेक्स्ट वन इज स्क्रैम्परस, इट मीन्स रन्स क्विकली विद लाइट स्पीड, विद लाइट स्टेप्स, द नेक्स्ट वन इज सपर, इट मीन्स एन ईवनिंग मील, द नेक्स्ट वन इज सेल, इट मीन्स द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ नट, then last one is snappity crackity, it means sound made when a nutshell is cracked open. So students, that is for today. Thank you.